6 वर्षीय बालिका के हत्याकांड को लेकर खुलासा। सफदरगंज थाना इलाके में 6 वर्षीय बालिका के हत्याकांड के मामले को लेकर बाराबंकी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद द्वारा बड़ा खुलासा किया गया। थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा 48 घंटे के भीतर 6 वर्षीय मासूम बालिका हत्याकांड का सफल अनावरण कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवभारत समाचार के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। 31 तारीख को थाना सफदरगंज पे एक तहरीरी सूचना के आधार पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा 302 का। उसने ये वादी द्वारा कहा गया कि 30-31 की रात में उसकी 6 वर्षीय बेटी गायब हो गई है घर से, जिसकी 2:30-3 बजे के आसपास डेड बॉडी पोखरे में मिली। जब इसमें गहन पूछताछ शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो उसमें पूरा मामला ये निकल के आया कि एक अजय कुमार है, जो अपराधी है अजय कुमार, वो उसी बच्ची के घर के 3-4 घर पास में ही रहता है। और ये 30 की रात में ग्राम गुरजनपुरवा में एक निमंत्रण में गया था, वहाँ से करीब रात में 11 बजे ये लौट के आया, वहीं पे इसने शराब पिया था। और लौट के आया तो बच्ची उसी समय बाथरूम करने निकली थी, और जब इसने देखा कि सुनसान है और अकेली बच्ची है, तो इसने उस बच्ची को पकड़ लिया और खेत में ले जाके उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान उसने उस बच्ची का जो कपड़ा था उसी के मुंह में ठूस करके उसका गला घोट दिया। इससे बच्ची की मृत्यु हो गई। वो मृत्यु होने के बाद उसकी बॉडी को पोखरे में फेंक दिया और वहाँ से ये फरार हो गया। पूरा गहन पूछताछ किया गया तो ये निकल के आया कि ये इसने क्लेम किया कि इसका जमीनी विवाद भी चल रहा था और ये नशा करने का लगातार आदि था। पूर्व में भी इसने 3 शादियां कर रखी हैं, 2 शादियां भी इसी कारण इसकी टूट गई थी, और जो वर्तमान पत्नी है वो भी इसके साथ नहीं रह रही है, यह लगातार उसको भी प्रताड़ित कर रहा था। पूर्व में भी इसके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, छेड़छाड़ के, मारपीट के, और गुंडा भी है ये, और अब ये गिरफ्तार किया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, NSA तक की कार्रवाई।